दुनिया विच नहीं जिसदा कोई सानी, दुनिया विच नहीं जिसदा कोई सानी, ऐसे गुरु लसानी दी गल करिए, अमृतसर विच जिन्हां दा जन्म होया, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी दी गल करिए, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी दी गल करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गगनदीप कौर, साइंस मिस्ट्रेस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल सेंसरा, जिला अमृतसर। 400 साला प्रकाश पुरब के संबंध के विच अज जो विषय मैं तुहाडे सन्मुख रखन जा रही हाँ, वह है धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन। सो जदों भी इस दुनिया के उपर झखड़ झुलते नेरिया वगदिया ने ते पाप जड़ा है वह अत उदी हो जाती है, तो कोई ना कोई ब्रह्म ज्ञानी जरूर जन्म लेंद। सो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी सन सिखा दे नौवे गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिन्हों का प्रकाश गुरु के महल अमृतसर विखे होया। सो 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ते माता नानकी जी दे कुखों उन्होंने अवतार तारिया। जिवें कहा जाता है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। सो जदों भी कोई ब्रह्म ज्ञानी जन्म लैंदा तां उहदे बचपन तो ही उहदे गुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सो गुरु तेग बहादुर साहब जी दे गुण बचपन तो ही प्रगट होने शुरू हो गए सन। गुरु तेग बहादुर साहब जी का सुभा इन्ना दयालु सी कि एक बार वो किसी ब्याह ते गए तो उत्थे उन्होंने कुछ गरीब बच्चे देख ले तो उन्होंने अपनी पोशाक भी उन्हां गरीब बच्चों नूं दे दित्ती। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਢਲੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। गुरु जी बहुत सारिया भाषावां जानते सन और बहुत ही वधिया शस्त्र विद्या उन्होंने सीखी सी। सो इन्ने गुण होने के बावजूद गुरु जी ने अपने अंदर जड़ा आ वो विराग उन्होंने अंदर सी, बलिदान की भावना उन्होंने अंदर सी। पै काहू को देत नै पै मानत आन, उन्होंने बहुत ही सोहना लिखिया कि सानू ना तो किसी तो डरना चाहिदा है ते ना ही किसी नू असी डराउणा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का आनंद कारज माता गुजरी जी दे नाल होया ते जिन्हां दे कुखों बाला गोबिंद जी ने, यानी कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जन्म लिया। गुरु साहबान ने जो भगती की 26 साल 11 महीने उन्होंने एक भोरे दे विच भगती की, तो जिस तो बाद असी जानते हाँ कि किस तरह मक्खन शाह लुबाणा ने गुरु लाधो रे कह के गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं इस जगत दे सामने जड़ा आ उन्होंने लियांदा। खासकर औरंगजेब ने उस समय दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी दे हुंदिआं पूरे भारत दे विच हिंदुआं दे उपर तशद्दुद उसदा जारी सी। सो इसे दे चलदिआं कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब जी कोल फरियाद लेके आए कि उन्हां दी धर्म दी रक्षा कीती जावे। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलो में साका। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि गुरु साहब तुहाडे तों वड्डा महान पुरख होर कौन हो सकदा है जो इन्हां दी मदद करे। सो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उन्हां कश्मीरी पंडितां दी हिंदुआं दी राखी करन दे लई, धर्म दी राखी करन दे लई गुरु जी ने दिल्ली दे विच जाके अपना सीस कुर्बान कर दिता। बहादुर साहब जी दी इस अदुत्ती कुर्बानी दे लई बचित्र नाटक विच अंकित है, ठीकर फोर दिली सिर प्रापुर किया पयान। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी दी बाणी जिहड़ी है वह सानू विराग ते असल जिंदगी दे सच्चाई नाल जोड़दी है। जिस तरह गुरु साहब बयान करदे ने, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कोह नानक हर भज मना जय बिद जल को मीन, जय बिद जल को मीन। ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे समकाली भट्ट ने बहुत ही सुंदर बयान कीता है, बाहां जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बाहां ना छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया तर पइए धर्म ना छोड़िए, तर पइए धर्म ना छोड़िए।